प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों नमस्कार, ये जो आज डिजाइन आप देख रहे हैं 45 बाई 60 फीट के अंदर बना हुआ डुप्लेक्स डिजाइन है या ट्रिप्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको आप, तो इसको देख लें आप। टू फेस का जो डिजाइन है, ईस्ट और साउथ में इसका जो फ्रंट हो सकता है, और ये जो डिजाइन है दोस्तों हमसे बनवाया है अजय मौर्या जी ने, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे आप, फ्रंट में भी जो ईस्ट साइड है वहाँ पे हमने इसको ओपन रखा है 10 फीट 8 इंच, और जो साउथ फेस है वहाँ भी इसको ओपन रखा है, और जो हमारा वेस्ट फेस है वहाँ पे 4 फीट का ओपन फेस रखा है। पीछे हमने टॉयलेट बाथरूम दिया है एक 4x7 के अंदर, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो कार पार्किंग का स्पेस यहाँ पे जो साउथ साइड में दिया है काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है। पिलर पे आप ये जो पूरा ऊपर तक छत को कवर कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको पूरा अंदर से दिखाऊंगा, पूरा का पूरा अंदर जो क्या क्या इसके अंदर हमने जो रूम वगैरह है उनकी सेटिंग्स जो है क्या क्या है, स्पेस क्या क्या रहेंगे, कहाँ कहाँ क्या बनाया है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा है हमारा, लगभग 14 मिनट का वीडियो रहेगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी इसका जो असली जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आएगा कि कैसा क्या क्या कहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ से चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कार पार्किंग का स्पेस था हमारा, ये देख लें 10 फीट 1 इंच की चौड़ाई में रहेगा, और जो फ्रंट का 10 फीट 8 इंच की चौड़ाई में, जहाँ पे हमारा गार्डन वगैरह हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप गार्डन बना सकते हैं, और जो मेन घर का हमारा दरवाजा होगा यहाँ से भी होगा, और एक दरवाजा सीढ़ियों के नीचे से होगा हमारा जो कार पार्किंग की तरफ से होगा। तो यहाँ पे देख लें ऊपर तक का, अगर आप उसका जो स्टाइल देखना चाहते हैं इस तरीके का हो सकता है। कलर कोड आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, कलर कोड काफ़ी जो कलर हो सकते हैं आपका अपनी चॉइस का, इस पर कलर करवा सकते हैं डिजाइन तैयार होने के बाद, घर तैयार होने के बाद। तो यहाँ से ये हमारा जो मेन डोर होगा वो रहेगा, यहाँ से फ्रंट का जो मेन डोर हमने 5 फीट चौड़ाई का रखा है। यहाँ से जैसे हम एंटर करेंगे ये हमारा लिविंग स्पेस होगा, यहाँ से ये 12x13 फीट 2 इंच का स्पेस रहेगा इसका जो लिविंग स्पेस है हमारा। और अंदर का जो दरवाज़ा देख रहे हैं अंदर जाने के लिए, ये ओपन डोर रखा है इसको हमने। यहाँ पे देख ले छत वगैरह जो भी है डेकोरेटिव बना सकते हैं आप, ये आपके बजट के ऊपर है कि आप कितना इसके ऊपर बजट स्पेंड करना चाहते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दूसरी साइड जो हमारा लिविंग स्पेस है उसी के अंदर से 6x7 फीट का हमारा एक पूजा रूम होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 6x7 फीट के अंदर पूजा रूम है। साइड में जो फ्रंट है, फ्रंट की तरफ एक विंडो दी गई है, आप लगा सकते हैं। तो यहाँ देख लें, उसके बाद मैं लिविंग रूम के अंदर से आपको दिखाता हूँ कि हमारा बेडरूम होगा 10x12 फीट का जो गेस्ट रूम है, यहाँ से कॉर्नर पे है जो हमारा मेन डिजाइन, उसके कॉर्नर पे है कॉर्नर विंडो इसके अंदर हमने लगाई है। आप चाहें तो कॉर्नर विंडो को हटा के सेपरेट विंडो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने कॉर्नर विंडो और पर्दे लगाए हुए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख लें ये बेडरूम है 10x12 फीट का, आपका गेस्ट रूम हो जाएगा यहाँ से फ्रंट में, काफ़ी अच्छा स्टाइल का जो एक डिजाइन बना है। तो मैं थोड़ा रोटेट करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप आपकी अलमीरा वगैरह रख सकते हैं। और अब मैं आपको बाहर ले चलता हूँ लिविंग रूम से, यहाँ से चलेंगे अंदर, ये हमारा फिर से लिविंग रूम में चल रहे हैं, और फिर मैं बाहर की जो आपको हॉल के अंदर जो हमारा मेन हॉल है वहाँ पे ले चलूँगा, वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हमने डिज़ाइन किया है मेन हॉल के अंदर से क्या क्या है। मैं आपको बता दूँ मेन हॉल के अंदर से दो हमारे मेन बेडरूम रहेंगे, टॉयलेट एक बाथरूम रहेगा, किचन का जो स्पेस है वो रहेगा, सीढ़ियाँ रहेगी, वो मेन हॉल के अंदर से ही आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा मेन हॉल होगा, और उसका जो स्पेस है लगभग 17x16 फीट है, यानी मैं इसका एक्यूरेट बता देता हूँ, 16 फीट 10 इंच की चौड़ाई है, और जो 16 फीट 2 इंच है वो इसकी लंबाई है हाल की, जो सीढ़ियों के साथ स्पेस है वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे देख लें किचन है हमारी, ये किचन रहेगी हमारी 9x10 फीट साइज के अंदर हमने किचन को डिजाइन किया है। यहाँ पे देख लें पीछे किचन के एक वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी है, आप ग्लास की लगाएं या फिर आप ओपन होने वाली लगाएं वो आपकी चॉइस है, यहाँ से आप लगा सकते हैं जो खिड़की देख रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप फ्रिज बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रिज बॉक्स यहाँ पे नहीं बनाया, बाहर की तरफ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वाश बेसिन बना दिया है जो कि ज़्यादा यूजफुल रहेगा फ्रिज एरिया की जगह। अगर आप फ्रिज एरिया यहाँ पे बनाते हैं तो आपका जो किचन का फर्नीचर है वो सही से नहीं लग पाएगा, ये आप ध्यान में रखें, आप कर भी सकते हैं उसको अगर आप बनाना चाहते हैं। तो ये हाल रहेगा, फ्रंट में आपको दो छोटे डोर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा स्टोर रूम का दरवाज़ा रहेगा, 6x8 फीट के अंदर हमारा स्टोर रूम रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं इस डिज़ाइन को बता दूं कि अगर आप कॉलम बेस बनाना चाहते हैं तो कॉलम बेस पे भी इसका जो हमने प्लान में इसके जो कॉलम के मार्क कर दिए हैं वहाँ से आप बना सकते हैं कॉलम बेस,
अगर सीधा आप ईंटों के थ्रू बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दूसरा दिखा देता हूँ, हमारा जो एक बाथरूम है 6x8 फिट का कॉमन बाथरूम है, वॉशिंग एरिया की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो। ये हमारा 6x8 का स्पेस रहेगा इसका, इसको दिखा देता हूँ आपको अंदर से, मॉडर्न स्टाइल का बाथरूम रहेगा, ये देख लें आप इसको। टाइल्स वगैरह आप अपनी चॉइस के लगवा सकते हैं, यहाँ पे हम एक डिजाइनिंग के तौर पे यहाँ पे एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसी के तौर पे हम यहाँ पे जो टाइल होती है वो लगा देते हैं। बाकी आप जब भी इसको रियल में बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन या कर सकते हैं, या टाइल वगैरह जो भी लगवाना चाहे वो लगवा सकते हैं। उसके बाद फिर से हम हॉल के अंदर हैं, और हॉल के अंदर से मैं आपको पीछे का जो हमारा बेडरूम है, 2 बेडरूम है, दोनों का साइज सेम है, 12x13 फिट है, वो दिखा देता हूँ यहाँ से। पहले हमारा एक बेडरूम रहेगा, ये यहाँ से दिखाऊंगा आपको, तो चलते हैं अंदर बेडरूम के। और जो बेडरूम है इसके अंदर पीछे हमने खिड़की भी दी है, तो यहाँ से देख लें, ये जो एक दरवाजा देख रहे हैं, हमारा टॉयलेट बाथरूम अटैच है इसके साथ, 6x8 फिट का इसके साथ टॉयलेट बाथरूम अटैच है। पीछे जो देख रहे हैं खिड़की, पीछे की साइड हमने 4 फिट का जो स्पेस छोड़ा था उसके अंदर, यहाँ से ये हमारा बेडरूम रहेगा 12x13 का। वार्डरोब लगा सकते हैं बड़े साइज का फ्रंट में, आप चाहें तो यहाँ पे वार्डरोब की जगह खिड़की भी बाहर की तरफ लगाना चाहें लगा सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बाहर स्पेस यहाँ पे खाली 5 फीट 7 इंच का आपके पास। उसके बाद यहाँ से जो एक जो कॉर्नर छूटा था हमारा जो टॉयलेट बाथरूम के सामने, वहाँ पे एक अलमारी रख सकते हैं, और ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है, 6x8 फीट का ये आपका स्पेस रहेगा। यहाँ से बाथ टब वगैरह आप लगा सकते हैं इसके अंदर, लगाएं तो ऊपर नहीं लगाए, ये हमने सिर्फ नीचे के इसमें बाथरूम में लगाया है, तो ये मॉडर्न स्टाइल का आपका बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देख लें इसको आप। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आगे का जो पूरा व्यू है घर का वो दिखाऊंगा, अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से बाथरूम से। तो चलते हैं बाहर, और जो हमारा सेकंड बेडरूम है नीचे का वो भी दिखा देता हूँ आपको। फिर से हाल के अंदर चलेंगे, और हाल के अंदर से ही पीछे का जो हमारा बेडरूम रहेगा, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे बाद में आएंगे, पहले सीढ़ियों के नीचे से तो दरवाजा देख रहे हो वो आप, हमारा कार पार्किंग की तरफ से खुलेगा। तो यहाँ से चलते हैं, ये हमारा सेकंड बेडरूम नीचे का 12x13 फिट का स्पेस रहेगा। पीछे इसके अंदर हमने एक दरवाज़ा दिया जो कि पीछे आपका जो स्पेस है वहाँ जाने के लिए काम में आएगा, तो देख ले रोटेट करके दिखा देता हूँ पूरा डिज़ाइन। यहाँ पे भी देखिए कैबिनेट है पूरा, इसके अंदर आप टीवी वगैरह लगा सकते हैं, अलमारी की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, बनवा सकते हैं काफ़ी बड़ा। तो दो दो इसके अंदर अलमारियाँ हमने दी हैं, और ये पीछे का जो हमारा दरवाज़ा है वो बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ उसका व्यू, ये देखिए फ्रंट जो बैक साइड में है, ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है पीछे का 4x7 फिट का, जो कि मैं बता रहा पीछे इसका कॉमन यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, देखिए एक्स्ट्रा यूज के लिए है ये। तो चलिए वापस चलते हैं रूम के अंदर, और फिर मैं आपको सीढ़ियाँ दिखा देता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं, बाहर चलते हैं रूम से हॉल के अंदर, और हॉल के अंदर से जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, पहले मैं आपको ये नीचे का दरवाज़ा दिखा देता हूँ जो कि बाहर खुलता है हमारा, जहाँ से ये साउथ साइड की तरफ एक दरवाज़ा रहेगा, ये आने जाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से। और अब मैं आपको ले चलता हूँ सीढ़ियों से ऊपर, यहाँ से देखिए जो किचन है, किचन के साथ में सीढ़ियाँ घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, और ऊपर की सीढ़ियाँ भी जो है सेम रहेगी। और दोस्तों फिर से आपको कहना चाहूँगा सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ कट सीढ़ियाँ हैं, तो लीजिए ये आ गए हम हैं हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा यहाँ स्टार्ट होता है, इसको ऊपर से पूरा कवर किया, यहाँ से ही सीढ़ियाँ हमारी ऊपर जाएंगी सेकंड फ्लोर पे, और जालीदार जो यहाँ पे खिड़कियाँ लगाएंगी साइड में, और फ्रंट में एक दरवाज़ा लगाया गया है ग्लास पैनल का, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। और जैसे आप बाहर जाएंगे यहाँ पे आपको 3-2 सामने डोर दिखाई दे रहे हैं जो कि 2 बेडरूम के हैं। फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं जो कि 13x15 का हमने यहाँ पे एक रेस्ट रूम बनाया है, आप ऊपर एज ए लिविंग इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर बड़ा बेडरूम
या जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं जैसे भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 13x15 का है, बेड लगाना चाहें, सोफे लगाना चाहें, जैसे भी आप इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद बाहर चलते हैं, बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा दूसरा बेडरूम रहेगा। बेडरूम का देखिए साइज लगभग सभी का हमारा सेम रहेगा, जो पीछे के दोनों रूम का नीचे और ऊपर का सेम है। ऊपर का जो फ्रंट का था वो बड़ा है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सेकंड हमारा बेडरूम है, बैक साइड का 12x13 का है, जो कि नीचे था वो सेम उसी के ऊपर है, बिल्कुल जैसा वैसा ही है। यहाँ पे इसके साथ खास बात ये है कि इसके साथ अटैच जो टॉयलेट था नीचे वो नहीं है, यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया उसको। और उसको इस तरीके से डिजाइन किया कि उसको तीनों बेडरूम से कोई भी यूज कर सकता है, जो आपका टॉयलेट बाथरूम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से पीछे हमने एक दरवाजा लगा दिया इस डोर में पीछे जाने के लिए, जो पीछे का आपका यहाँ पे बालकनी होगी पीछे की साइड, तो वहां जा सकते हैं। और फिर मैं बाहर ले जाता हूँ आपको इस दरवाजे से, और आपको जो हमारा आगे का पोर्शन है वो दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो एक दरवाजा देख रहे हैं, ये हमने 32 इंच का दरवाजा चौड़ाई का रखा है, जो बाथरूम टॉयलेट के हैं 32 इंच के सभी। तो यहाँ पे देख ले, ऊपर 6x8 फीट का हमारा जो टॉयलेट बाथरूम रहेगा, नीचे जो हमारा थोड़ा सा स्टाइलिश था, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, बाथ टब वगैरह नहीं है। और बाकी जो एसेसरी होती है बाथरूम की, वो सारी की सारी बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल की यहाँ पे देख सकते हैं आप। और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो एक बेडरूम और है बिल्कुल कॉर्नर पे है, वो बैक साइड कॉर्नर पे 12x13 फीट का, वो दिखा देता हूँ। तो अंदर चलते हैं बेडरूम के। जो ये बेडरूम है यहाँ पे देख ले, इसके अंदर दोनों साइड खिड़कियाँ हैं, सामने भी वार्डरोब रखा है जिसके अंदर आपका टीवी सेट वगैरह आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा बेडरूम रहेगा दोस्तों, सोफा भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए आप, बिल्कुल रेडी जो हमारा डिजाइन है, काफी अच्छा स्टाइल का डिजाइन हमने बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डिजाइन है, ऊपर से सिर्फ 3 ही रूम है इसके, बाकी जो चौथा एरिया हमने इसको कवर किया। पहले मैं आपको टेरेस दिखा देता हूँ इसका, ये हमारा ओपन टेरेस रहेगा, बिल्कुल खाली रहेगा देखिए। और जो साइड है वहाँ पे साउथ की तरफ इसको 2.5 फीट एक्सपेंड कर दिया गया है, जो इसका छज्जा है वो बाहर निकाल दिया गया है। आप उसको छोड़ना चाहें, रखना चाहें वो रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। उसके बाद चलिए आपको अंदर ले चलता हूँ सीढ़ियों से ऊपर, जो सेकंड फ्लोर है हमारा, सेकंड फ्लोर पे चलेंगे। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको सीढ़ियों का रास्ता। तो ये हमारा सीढ़ियों का रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये होंगी सीढ़ियाँ बिल्कुल सेम जो नीचे की, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे सीढ़ियाँ थी, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम डिजाइन की सीढ़ियाँ रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ऊपर तक इसको कवर किया गया है, सेकंड फ्लोर तक कवर कवर्ड है। तो चलिए ले चलते हैं आपको ऊपर, और ये लीजिए हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर के टेरेस पर। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, ये लीजिए यहाँ भी बिल्कुल डिजाइन सेम ही रहेगा, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया है हमने। और यहाँ से बाहर दिखाऊंगा मैं आपको, फ्रंट में देखिए कि इसको डिजाइन देने के लिए हमने बीम और यहाँ पे स्लैब डाला है, जो कि इसकी जो लुक है थोड़ी सी अच्छी बनाता है। यहाँ से देख लें, मैं कैमरे को रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये बैक साइड से रहेगा आपका, और जो फ्रंट में है, फ्रंट में भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये रहेगा फ्रंट हमारे डिजाइन का। तो चलिए दोस्तों आज के डिजाइन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।